हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, लेसन टू पढ़ेंगे, आदित्याज क्लासरूम इसका नाम होगा। ठीक है बच्चों, हमने इस क्लास में पढ़ा था कि एक आदित्य नाम का लड़का था जो अपने क्लास का मॉनिटर था, और उस स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम थी या फिर जो भी एक मैम थी, उन्होंने एक टास्क दिया था। क्या टास्क दिया था? टास्क ये दिया था कि एक प्रोजेक्ट है और जिसका क्लास सबसे ज़्यादा सुंदर होगा हम उसे इनाम देंगे, हम उसे पैसे देंगे, अरे इसको हम फॉर्मली इनाम देंगे, ठीक है, रिवार्ड करेंगे। तो बच्चों, जो आदित्य था वो अपने क्लास का मॉनिटर था और 3 दिनों तक उसने सबसे ज़्यादा सफाई बनाए रखी। तो इस प्रकार से हमारा जो है सब कुछ चलता रहा और इस प्रकार से उसने जो है इनाम को जीत लिया था। बात समझ आ गई? तो चलो आज हम उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप ये बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 10 पर आएंगे। पेज नंबर 10 पर आप आएंगे और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए लिखा हो बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। नीचे लिखे गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमें इसको रीड करना है और उसके मीनिंग को भी हमें समझना है, ठीक है। और चलो हम पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा हुआ, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ आदित्य टू लुक आफ्टर द क्लीनलीनेस एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द क्लास। आदित्य की बच्चों यह ड्यूटी थी कि वह क्लास की साफ सफाई और दूसरी एक्टिविटीज जो कि क्लास में होती हैं उन पर ध्यान रखें। दूसरी एक्टिविटीज क्या बच्चों? जैसे क्लास का अगर कोई मॉनिटर है तो बच्चों उसको ध्यान रखना होता है कि मतलब वाइट बोर्ड साफ है कि नहीं। जैसे मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूँ तो वाइट बोर्ड साफ है कि नहीं, साफ है, ठीक है। फ़ैन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो फ़ैन बनाएगा नहीं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी है तो जाके प्रिंसिपल सर को या किसी और टीचर को बोलेगा कि हाँ सर यहाँ पे फ़ैन ख़राब है। तो उसकी एक ड्यूटी होती है, वो मॉनिटर होता है, हेड होता है क्लास का। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा उसे शेयर कर सकता है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है सर से, ये बता दो आप। बात समझ में आ गई? तो बच्चों एक मॉनिटर एक माध्यम है, बात समझ आ गई? चलो, सो ही यूज टू इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट। इसलिए वह छात्रों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करता था। क्या करता था? इंस्ट्रक्ट करता था। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निर्देश देना, कुछ ना कुछ करने के लिए कहता था। एंड असिस्ट देम टू कीप द क्लासरूम नीट एंड क्लीन, और उन्हें वो हेल्प करता था, सहायता करता था कि अपने क्लासरूम को कैसे साफ किया जाए। वो उनके इस क्लासरूम को साफ करने में मदद भी करता था। ऑल द स्टूडेंट लिसन टू हिम, सभी स्टूडेंट उसे सुनते थे। एंड ऑलवेज कीप देयर क्लासरूम क्लीन बाई थ्रोइंग द लिटर इन टू द बिन, और हमेशा जो गंदगी निकलती थी, ठीक है, गंदगी निकलती थी तो उसको वो डस्टबिन में फेंक करके उसकी बात को मानते थे, उसकी बात को सुनते थे, ठीक है। और इस प्रकार वे अपने घर को, अपने क्लासरूम को साफ सफाई से रखते थे, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है नाउ, अब क्वेश्चन में देखो ब्लू कलर से बच्चे लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है नाउ राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब जो है मीनिंग लिखिए, जो नीचे लिखा हुआ सेंटेंस है उनके मीनिंग लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप अपने कॉपी पर भी इन्हें नोट करेंगे और अपने बुक पर भी नोट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है देखिए, लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखा हुआ ब्लू पेन से, मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ लेकिन लिखा हुआ ब्लू पेन से हुआ। नाउ कॉमा राइट द मीनिंग, राइट द मीनिंग, मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है बच्चों इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्ट, ASSIST, असिस्ट। नेक्स्ट है लिटर, LITTER, लिटर। नेक्स्ट है बिन, BIN, बिन, ठीक है। सबकी मीनिंग हम लिखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, सबकी मीनिंग लिखते हैं। तो बच्चों तो इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बच्चों निर्देश देना, किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो इसका मीनिंग लिखेंगे टू टेल समवन टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। बच्चों एक बात ध्यान देना, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है
किसी को फॉर्मल वे में कुछ कहना, ठीक है, किसी को प्रेशराइज नहीं करना होता। अगर प्रेशराइज करें तो वो ऑर्डर हो जाता है, वो इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, असिस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, सहायता करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू हेल्प समवन, टू हेल्प, केवल लिखेंगे टू हेल्प, HELP, टू हेल्प। असिस्ट का मतलब क्या होता है? टू हेल्प। लीटर का क्या मतलब होता है बच्चों? लीटर का मतलब होता है गंदगी, डस्ट, गार्बेज। बात समझ आ गई? तो लीटर मतलब होता है गंदगी, गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज। एक और मीनिंग लिखेंगे डस्ट, DUST, डस्ट का मतलब होता है जो धूल, डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल, ठीक है। बिन, बिन का क्या मतलब होता है बच्चों? बिन का मतलब होता है हमारे बच्चों, बिन का मतलब होता है कि जिसमें हम अपने गंदगी को फेंकते हैं, ठीक है, कागज़ को फेंकते हैं, ख़राब पेन हो जाता है फेंकते हैं, पेंसिल को निकले पर जो छिलन निकलती है उसको जो हम फेंकते हैं, कोई चीज़ ख़राब है तो जिसमें हम फेंकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डस्टबिन भी बोलते हैं और बिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कूड़ेदान। क्या बोलते हैं? कूड़ेदान, ठीक है। तो लिखेंगे इसका मीनिंग, द कंटेनर इन विच वी पुट इन द लिटर। लीटर मतलब गंदगी, जिसमें हम पुटिन करते हैं, मतलब डालते हैं लीटर, गंदगी को जिसमें हम डालते हैं बच्चों, ये पुटिन पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है। पुटिन मतलब होता है गंदगी, जिसमें हम गंदगी को डालते हैं उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हम बिन बोलते हैं, डस्टबिन बोलते हैं, ओके। चलो ये आपका नोट हो गया होगा, चलो अगर नोट हो गया, ओहो, अगर ये नोट हो गया तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। चलो नोट हो गया होगा, चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अपने, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए जरा लिखा हुआ है बच्चों, अगले क्वेश्चन करा टिक द करेक्ट आंसर, बी क्वेश्चन है बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर। तो बच्चों हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है, बी का लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, तो मैं सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखता हूँ और आप देख देख कर उन्हें नोट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आदित्य इज द, ADITYA, आदित्य इज द डैश, इसमें कुछ फिल करना है, ऑफ हिज क्लास, ऑफ हिज क्लास। ऑप्शन से बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, क्लास टीचर। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, सेक्रेटरी। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों, लिखेंगे मिसेज वर्मा, मिसेज वर्मा अनाउंस्ड इन द क्लास फॉर द, अब यहाँ पे बच्चों कुछ फिल करना है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन के बच्चों, ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है बच्चों कंपटीशन,
ऑप्शन सी है बच्चों, फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारा लिखेंगे द प्रोजेक्ट ऑफ द क्लासरूम, द प्रोजेक्ट ऑफ द क्लासरूम, ऑफ द क्लासरूम क्लीनलीनेस वाज फॉर। अब बच्चों यहाँ पर समथिंग फिल करना है। ए ऑप्शन ए है 2 days, ऑप्शन बी है बच्चों 3 days, ऑप्शन सी है बच्चों 1 week। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। आदित्य एंड अदर स्टूडेंट्स, आदित्य एंड अदर स्टूडेंट्स वर अवार्डेड फॉर देयर THEIR है बच्चों ये, फॉर देयर। अब यहाँ पे बच्चों कुछ फिल करना है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए है अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों इसमें हार्ड वर्क, ऑप्शन नंबर सी बच्चों बोथ ए एंड सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बच्चों लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड। क्वेश्चन नंबर ए है हैप्पी, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों एंग्री, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों सैड, ऑप्शन नंबर सी बच्चों सैड। नोट करिए फिर मैं इनका आंसर कराता हूँ। चलो बच्चों इनका हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो बच्चों ऐसे ही अपने कॉपी पर भी नोट करेंगे और ये आपके बुक पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो केवल टिक लगाएंगे और जहाँ पे फिल करने के लिए दिया हुआ है वहाँ पर हम इसे पेंसिल से फिल कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, लिखा हुआ आदित्य इज द ऑफ हिज क्लास, आदित्य अपने क्लास का कुछ था तो उसे हमें यहाँ पर फिल करना है इन ऑप्शंस को देख करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया बच्चों क्लास टीचर, तो क्या आदित्य अपने क्लास में क्लास टीचर था? नहीं, उसकी क्लास टीचर तो मिसेज वर्मा थी। सेक्रेटरी वर्ड का हमारे बुक में यूज ही नहीं किया गया है। वो बच्चों अपने क्लास में एक मॉनिटर था, क्या था? एक मॉनिटर था। अभी मैंने बताया मॉनिटर क्या होता है, तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे और लिख लेंगे यहाँ पे मॉनिटर। क्या लिखेंगे? मॉनिटर। क्या लिख लेंगे? मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मिसेज वर्मा, क्वेश्चन नंबर 2 है मिसेज वर्मा अनाउंस्ड इन द क्लास फॉर द, बच्चों मिसेज वर्मा जो उसकी क्लास टीचर थी उन्होंने अनाउंस किया है क्लास में किस चीज़ के लिए? प्रोजेक्ट के लिए, कंपटीशन के लिए या फिर फंक्शन के लिए? तो बच्चों आपको याद होगा कि मिसेज वर्मा ने कहा था कि हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो जिसमें बच्चों को साफ सफाई रखनी है, तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे प्रोजेक्ट। क्या लिखेंगे?
प्रोजेक्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। थर्ड में लिखा हो द प्रोजेक्ट ऑफ द क्लासरूम क्लीनलेस वाज फॉर, जो क्लासरूम के क्लीनलीनेस का जो साफ सफाई का प्रोजेक्ट था वाज फॉर कितने दिनों के लिए था? टू डेज के लिए था, थ्री डेज के लिए था, वन वीक के लिए था। तो बच्चों आपको याद होगा ये थ्री डेज के लिए था, आप लिख लेंगे यहाँ पे थ्री डेज। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। आदित्य एंड अदर स्टूडेंट्स वेयर अवार्डेड फॉर देयर, आदित्य और दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको अवार्ड दिया गया, क्यों दिया गया? फॉर देयर अवेयरनेस, उनके जागरूकता के लिए, हार्डवर्क, उनके हार्डवर्क के लिए। तो बच्चों आपको पता होगा उनके अवेयरनेस और हार्डवर्क दोनों के लिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये बी होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा ये, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बच्चों दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही हैं, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पे करेक्ट करना होगा। बात समझा गई? तो अवेयरनेस एंड हार्डवर्क दोनों फिल करेंगे, एम हार्डवर्क, हार्ड वर्क। बात समझ में आई? तो बच्चों बहुत अच्छे से आपको बात मेरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, ऑल द स्टूडेंट्स हैप्पी थे, एंग्री थे या फिर सैड थे, वो यहाँ पे फिल करना है। तो बच्चे जब सभी बच्चों को इनाम मिला तो सब कभी कैसे हो जाएंगे? हैप्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप बच्चों फिल कर लेंगे हैप्पी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बी आपका सॉल्व हो चुका है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों ये सब। ठीक है, चलो आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी पर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी देखो बच्चों, आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर सी पर। अब क्वेश्चन नंबर सी में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल मैं आपको बताता जाऊंगा यस या नो में आप उसे फिल करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी बच्चों लिखा हुआ है स्टेट, एस टी ए टी, स्टेट एस और नो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स के हिसाब से बच्चों यस और नो लिखना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बच्चों मैं केवल यस और नो ही लिखूंगा। आप अपने बुक पर और कॉपी पर पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा लिखेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ वी शुड थ्रो लीटर इन टू द बिन, ठीक है, तो उसको यस या नो मैं यहाँ पे यस या नो लिखूंगा। आपको भी केवल एस और नो नहीं लिखना है, आपको एस और नो तो यहाँ पे लिखना है ना, लेकिन अपनी कॉपी पे आप पूरा नोट करेंगे। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हुआ है वी शुड थ्रो लिटर इनटू द बिन, वी शुड थ्रो लिटर इनटू द बिन। तो ये बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ आपके बुक पे, आपको सामने केवल एस और नो लिखना है, तो मैं केवल एस और नो लिखूंगा, आप समझ जाएंगे उसको नोट कर लेंगे। तो बताओ बच्चों कि हमको गंदगी डस्टबिन में फेंकना चाहिए, हमको गंदगी कूड़ेदानी में फेंकना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे कूड़ा होता, कूड़ादान होता है वहीं पे फेंकना चाहिए। तो बच्चों सही बात है, अगर आप कूड़े को अपने बिस्तर पर रख लोगे, अपने क्लासरूम में फेंक दोगे, तो क्लासरूम गंदा हो जाएगा ना।
तो जहाँ आप पढ़ते हो बच्चों, वहाँ पर साफ़ सफाई कौन करेगा? आप करेंगे। इसलिए आपको वहाँ पर साफ़ सफाई रखनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन में आप लिखेंगे यस, फर्स्ट ऑप्शन में लिखेंगे आप यस, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे आप यस, ठीक है। लिखा हुआ है वी शुड नॉट जंप ऑन द बेंचेज एंड चेयर्स। अब आप स्कूल में आए हो तो पढ़ने के लिए आए हो ना, कि उधम मचाने के लिए आए हो? पढ़ने आओगे तो आपको अपने स्कूल में बेंच पर, कुर्सियों पर कूदना नहीं चाहिए। आप जहाँ पे आए, आपका जहाँ बैठने का जगह है, वहाँ पर शांति से बैठो और अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करो। तो आपको क्लास में उधम नहीं मचाना चाहिए, कूदना फाना नहीं चाहिए। तो इसको भी क्या कर लेंगे, एस कर लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ बच्चों वी शुड सिट क्वाइटली, हमें शांति से बैठना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब फिर मैंने बताया ना, शांति से ही तो बैठोगे कि उधम मचा दोगे, उछल कूद करोगे? नहीं ना, तो हमें शांति से ही बैठना चाहिए, इसलिए कहेंगे यस, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। वी शुड नॉट थ्रो आवर बुक्स हेयर एंड देयर, हमें अपने बुक्स को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। ये भी सही बात है बच्चों, अगर आप अपने बुक्स को बिखार के रखेंगे तो देखने में क्लमजी लगेगा, गंदा लगेगा, अकवर्ड लगेगा, ठीक है। तो जितना ही साफ सफाई रखोगे बच्चों, उतना ही अच्छा है। इसलिए हमें अपने बुक्स को जहाँ पे स्थान है वहीं पर रखना चाहिए। तो इसे भी आप लिख लेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस, ठीक है। लास्ट ऑप्शन पे बच्चों आ जाओ। लिखा हुआ है वी शुड ओबे आवर टीचर्स एंड एल्डर्स, हमें अपने बड़ों और टीचर्स का आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसा जैसा वे कहें हमें करना चाहिए। तो बच्चे ये बात भी बिल्कुल सही है, जो जो हमारे टीचर्स हमारे लिए कुछ गलत थोड़ी ना कहेंगे, तो जो वो कहते हैं हमें वो मानना चाहिए, जैसे जैसे कहें हमें वैसे वैसे करना चाहिए। इस बात का आप केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों कर लेंगे यस, ठीक है। तो आप इसे पूरे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, आपने नोट कर लिया होगा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी लिखा हुआ बच्चों फाइंड द मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों फाइंड द मीनिंग्स। अभी क्वेश्चन में और ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस लिखा होगा, ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्सेस, ठीक है। हम उनका केवल आंसर लिखेंगे। फर्स्ट बच्चों अवेयर, AWARE, अवेयर। अवेयर का मीनिंग हमें यहाँ लिखना है। अनाउंस्ड, ANNOUNCED, अनाउंस्ड। नेक्स्ट है असिस्ट, ASSIST, असिस्ट। लिटर, LITTER, सबके मीनिंग लिखना है बच्चों, मैं सबके मीनिंग लिखूंगा। डिक्लेरेशन बच्चों आप इन्हें कॉपी पर भी लिखेंगे, ठीक है। एप्रिसिएटेड सबकी मीनिंग लिखेंगे बच्चों। चलो तो बच्चों हम सबका मीनिंग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप एक एक वर्ड का मीनिंग जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ, आप उन्हें अपने कॉपी पर नोट करते जाएंगे, ठीक है। चलो मैं लिखता जाता हूँ। फर्स्ट है बच्चों अवेयर। अवेयर का क्या मतलब होता है? जागरूक होना, किसी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। अब बताओ बच्चों, जैसे कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस क्या हो सकता है? जैसे आप मान लो स्कूल से घर आते होगे, ठीक है।
स्कूल से जब घर आते होगे तो उसका एक प्रोसेस होगा ना, पहले आप सुबह उठते होगे, टॉयलेट बाथरूम करते होगे, फिर उसके बाद मंजन ब्रश करते होगे, ठीक है, ब्रश करने के बाद नहाते होगे, नहाने के बाद फिर जो है बात करते होगे, फिर बात करने के बाद फिर जब आप कपड़े पहनते होगे, फिर जूते पहनते होगे, फिर नाश्ता करते होगे, फिर निकलते होगे ना, तो आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में नॉलेज है कि नहीं है? है। तो इसी नॉलेज को हम अवेयरनेस कह सकते हैं, किसी भी चीज़ की नॉलेज को हम अवेयरनेस कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो किसी भी चीज़ को नॉलेज को हम अवेयरनेस कहेंगे। तो बच्चों देखो, इनमें से कौन सा मीनिंग, जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, इनमें से कौन सा मीनिंग सूट कर रहा है? तो लिखा हुआ नोइंग और रियलाइजिंग समथिंग, यही बच्चों मीनिंग लिख रहा है, तो इसको लिख दो यहाँ पे, नोइंग और रियलाइजिंग, नोइंग और रियलाइजिंग समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अनाउंस्ड का क्या मतलब होता है? अनाउंस का मतलब होता है बच्चों डिक्लेयर करना, किसी को कुछ कहना। जनरली जैसे अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो मैं कल कह दूं कि बच्चों कल छुट्टी है, तो मैंने क्या अनाउंस किया? छुट्टी के बारे में अनाउंस किया। जनरल इन्फॉर्मेशन देना ही क्या कहलाता है बच्चों? अनाउंसमेंट कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन। लेकिन ये बच्चों पास्ट टेंस में है तो लिखेंगे डिक्लेयर्ड, DECLARED, डिक्लेयर्ड। क्या बोलेंगे? डिक्लेयर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखा हो बच्चों असिस्ट। अभी मैंने बताया असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, किसी का हेल्प करना, ठीक है। तो असिस्ट का मीनिंग बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर टू हेल्प समवन। क्या लिखेंगे? टू हेल्प समवन। आपके बुक में ऊपर लिखा हुआ है टू हेल्प समवन, टू हेल्प समवन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लिटर। लिटर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता रखा है लिटर का मतलब होता है बच्चों गंदगी। तो गंदगी को हम लोग लिटर बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें देखो कौन सा मीनिंग सूट कर रहा है बच्चों? तो गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज का मतलब क्या होता है बच्चों? लिटर होता है, गंदगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? डिक्लेरेशन का मतलब होता है बच्चों अनाउंसमेंट। अभी मैंने बताया ना, तो इसका लिखेंगे डिक्लेरेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट। क्या लिखेंगे? अनाउंसमेंट, ANN, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, ओके। एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड का क्या मतलब होता है बच्चों? एप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है, किसी की बड़ाई करना। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एडमायर। क्या बोलते हैं? एडमायर। तो इसको लिख लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन ही है, ADMIRED, एडमायर्ड वेरी मच। तो ये हो गया बच्चों आपका सोल्यूशन, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलो बच्चों, आपने ये क्वेश्चन नंबर डी तक इन्हें सॉल्व कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों आपको जो भी पढ़ाया गया है उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए। जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं बहुत ही काम की बातें हैं। हर एक स्टोरी से बच्चों हमें कुछ न कुछ लर्निंग मिलती है, तो हर लर्निंग को आप लेते जाइए, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करिए, तभी इन चीज़ों का फ़ायदा है, वरना केवल ये किताबी ज्ञान देने से आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो बच्चों घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।